cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Hey guys, again, welcome back to my channel. सो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग ऑलमोस्ट कृष्णनगर पहुंचने वाले थे। भैरमपुर बाईपास रोड लेके हम लोग पहुंचे थे बेलदांगा, फिर वहां से देबाग्राम क्रॉस करके हार्डली कुछ किलोमीटर्स में ही हम लोग एंटर कर जाएंगे कृष्णनगर। तो गाइज, मेन जो भैरमपुर टाउन है ना, उसमें हम लोग नहीं घुसे थे। बाईपास रोड ओपन हो चुका है इजली, विदाउट एनी जैम और लेवल क्रॉसिंग बाईपास कर गए भैरमपुर। बाईपास रोड पकड़ने से पहले ना रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिर ट्रैफिक ब्लॉकर्स भी लगे हुए हैं। तो फुल अपडेट देखने के लिए आपको सिलीगुड़ी टू कोलकाता रोड ट्रिप सीरीज़ के प्लेलिस्ट पे जाना होगा, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको सिक्वेंशियली मिलेंगे। थाउजेंड मीटर्स पे है और एक टोल प्लाजा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोड क्लोज टेक डाइवर्जन। कैलकुलेशन में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिवपुर टोल प्लाजा ही लास्ट टोल प्लाजा है, लेकिन अभी हम लोग पहुँचे हैं गाइस बेथुआ दहाड़ी टोल प्लाजा पे। दोपहर के 2:20 और हम लोग गए बेथुआ दहाड़ी टोल प्लाजा के सामने। सो गाइज, इस टोल प्लाजा पे हम लोग पे किए हैं 80 रुपीज़ एक साइड जर्नी का। तो अभी एक मार्केट प्लेस क्रॉस कर रहे हैं बेथुआ दहाड़ी का, तो सामने ही है खिदीरपुर। आगे जंक्शन से ना क्रिश जाने के लिए आपको राइट वाला रास्ता लेना होगा, और बीरपुर घाट के लिए लेफ्ट वाला रूट। Thank you.
तो अभी घड़ी में टाइम हुआ है 2:45, तो घर पहुँचते पहुँचते 6:30 तक बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कब तक हम लोग घर पहुँचे हैं। बाकी बाईपास रोड की इन्फॉर्मेशन सारे मैंने आपको दिखाए हैं, बस कृष्णनगर बाईपास ही अब बाकी है। सो नेक्स्ट और 8 किलोमीटर के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे कृष्णनगर बाईपास, तो वहाँ पहुँच के आपको उसका भी कंडीशन दिखा देंगे। इससे पहले वाले व्लॉग्स में मैंने बहरमपुर, फिर मालदा, रायगंज, डालखोला और इस्लामपुर बाईपास का सारा रोड अपडेट दिखाया है। कोलकाता 116, रानाघाट 39 और कृष्णनगर है 8 किलोमीटर्स। और 10 मिनट में हम लोग घुस जाएंगे कृष्णनगर, और रानाघाट पहुंचने में ना अभी भी आधा घंटा टाइम लगेगा। टोल रोड एंड्स हियर, तो कृष्णनगर घुसने से पहले पहले ना टोल रोड ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट रोड कंडीशन उतना अच्छा नहीं भी मिल सकता है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आपको अपडेट देते जाएंगे। शांतिपुर रेलवे बाईपास रोड है और 17 किलोमीटर। कृष्णनगर बाईपास करके हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं द्विजेंद्र सेतु, और नीचे से बह रही है जालंगी रिवर। तो पास से ही दूर आप लोग देख सकते हो रेलवे का रूट भी है। तो ये ब्रिज क्रॉस करते ही ना हम लोग घुस जाएंगे कृष्णनगर में। अभी घड़ी में बज रहे हैं 2:45। सिलीगुड़ी से पक्का 465 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग एंटर कर चुके हैं कृष्णनगर। सुबह से 9 घंटे का ड्राइव हो चुका है, जिसमें से 1 घंटा हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो गाइस कृष्णनगर एंटर करके आप लोग देख सकते हो रोड कंडीशन एवरेज है, काम चल रहा है पूरा रोड पे। तो ये पास से जो ब्रिज है ना, यही है बाईपास रोड, आगे जाके वहीं पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से रोड कंडीशन अच्छा मिलेगा। सो गाइस कृष्णनगर में ना एक न्यू फ्लाईओवर बना है, इसलिए गूगल पे इसका रास्ता शो नहीं कर रहा है। सो गाइज ये जो रास्ता है ना, ये अभी तक गूगल पे अपडेट नहीं हुआ है, गूगल कंटिन्यूस रीराउट कर रहा है। फ्लाईओवर से उतर गए और फिर से आ गए NH 12 पे। पीछे वाला वो रास्ता था शांतिपुर रेलवे बाईपास रोड, तो अब कृष्णनगर रानाघाट के रोड पे ना आपको शांतिपुर रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। शांतिपुर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर से न्यू ब्रिज बन चुका है।
से रानाघाट का डिस्टेंस है 19 किलोमीटर 15-20 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे रानाघाट अगर रास्ते पे ज़्यादा जैम नहीं रहा। तो गाइस बेसिकली कृष्णनगर से ना दो रास्ता है रानाघाट जाने का, एक तो आप लोग ले सकते हो शांतिपुर होके फिर रानाघाट जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा वाला रूट है बदकुल्ला होते हुए तहेरपुर फिर रानाघाट। हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ना NH12, ये नेशनल हाईवे है पूरा, 4-way lane मिलेगा आपको। दूसरा वाला रास्ता जो बदकुल्ला होते हुए जाती है तो वो सिटी लिमिट्स के अंदर का रास्ता है। टाइम हुआ है 3:19 और हम लोग रानाघाट पहुंचने वाले हैं। तो आगे एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से अगर लेफ्ट लेंगे तो हबीबपुर पहुँच जाएंगे और स्ट्रेट है कोलकाता। तो यहाँ से कोलकाता का डिस्टेंस है 79 किलोमीटर्स, 2 घंटे और 22 मिनट लगेंगे। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम दिखा रहा है 5:41 PM। तो वैसे अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच गए रानाघाट। सिलीगुड़ी से 500 किलोमीटर ड्राइव करके तो टोटल 10 घंटे लगे। नेक्स्ट रानाघाट से कोलकाता का डिस्टेंस है बस 71 किलोमीटर्स, तो होप कर रहे हैं कि 2 घंटे और लगेंगे। रानाघाट लेवल क्रॉसिंग के पास ना बहुत जाम रहता है, प्लस वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। तो रानाघाट के बाद चाकदा सिमुराली होते हुए होरिनघाटा आमदंगा जाएंगे, कल्याणी एक्सप्रेसवे नहीं पकड़ेंगे हम लोग। জার্নি এবার এখানেই 2 ঘন্টা 30 মিনিট এখানে দাঁড়িয়ে থাকতো। আগেকার রাস্তা পুরা জ্যাম হ্যায়, গুগল পে ভি রোড পুরা রেড হ্যায়। अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं चूर्णी रिवर, तो उसी के पहले से ही जैम पूरा स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग राइट पे देख सकते हो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम भी इवन चल रहा है।
In 600 meters, turn left onto Silver Jubilee Road. तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चुरनी रिवर एंड चुरनी ब्रिज के कुछ किलोमीटर्स पहले से ही रोड का बहुत ही खराब हालत है। चुरनी रिवर इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। बाकी आप लोग व्लॉग देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि रोड का हालत कहां तक ऐसा है। In 500 meters, turn left. What's happening here? What's happening? Is there a railway crossing? चुरनी ब्रिज के पास रोड पूरा रेड था, वो क्रॉस करके आए। ये दूसरा वाला रेड पैच है, तो आगे है शायद से लेवल क्रॉसिंग, रानाघाट लेवल क्रॉसिंग। लेकिन रोड का हालत गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही ख़राब है रानाघाट में। अभी भी यहाँ से कोलकाता का डिस्टेंस है 69 किलोमीटर्स, लेकिन ये पैच कवर करने में ना हम लोग को 2 घंटे से ज़्यादा ही लगने वाला है। 70 किलोमीटर बाकी है। तो रानाघाट के जाम में आधा घंटा हो चुका है, हम लोग यहीं पे फंसे हैं। एक तो रोड पे पूरा कंस्ट्रक्शन से रोड ब्लॉक है, ऊपर से आगे लेवल क्रॉसिंग भी है। तो जितना जल्दी ये फ्लाईओवर बन जाएगा ना, रानाघाट को भी बाईपास होके हम लोग स्ट्रेट जा सकते हैं कोलकाता।
একটা না তোমার তো জ্যাম হয় এটা যদি কাটিনি না দেখবেন টাইম অনেকটা কমে গেল सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रानाघाट लेवल क्रॉसिंग। तो इस ब्लॉग में मैं रानाघाट तक का ही रोड अपडेट दे रही हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग पे रहेगा रानाघाट से कोलकाता तक का रोड अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।